नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.3। बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज, पहले मैं आपके साथ जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, इस एक्सरसाइज में आपको सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करना होता है। अब इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स इज एन बाय टू ए प्लस एल और ए है। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है आपका, दिस वन, ये जो काइंड ऑफ ए सेकेंड फॉर्मूला है, ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी अप्लाई होगा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, व्हेन लास्ट टर्म, जिसको हम एल कहते हैं या ए एन कहते हैं, इसको आप तभी अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को जब आपके पास पर्टिकुलर गिवन एपी की लास्ट टर्म हो। पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा आपका? व्हेन व्हेन लास्ट टर्म, व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। तो इस एक्सरसाइज के ये आपके दो फॉर्मूले जो हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग विद द एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूलेस को लिखना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, आपको कहा जा रहा है कि एक एपी है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक एपी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए, ये आपको पता फर्स्ट टर्म होती है, डी होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। अब एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 7 है, फिर 12 है, अप टू सो ऑन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 2, 7, 12, इस तरह से जो इस एपी की 10 टर्म्स होंगी, इस एपी में जो फर्स्ट 10 टर्म्स होंगी उसका आपको सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन आपको जो लास्ट टर्म है वो गिवन नहीं है, मीन जो ए एन की वैल्यू है दैट इज नॉट गिवन। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला है हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, वी हैव टू गो विद दिस फॉर्मूला, राइट। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज इक्वल टू टू, देन कॉमन डिफरेंस डी, 7 माइनस 2 कितना होगा आपका 5, राइट। कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन हैज बीन गिवन, एन आपका कितना हो गया 10। नाउ बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल हैव, एस एन इन प्लेस ऑफ एन वी विल पुट 10 इज इक्वल टू एन बाय टू, वैल्यू ऑफ एन इज 10 दैट इज 10/2 विद इन ब्रैकेट 2a 2 इंटू ए दैट इज 2 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। तो वाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इट इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45। तो व्हाट वी विल हैव, 5 45 प्लस 4 दैट इज 49। Now 49 into 5 will be equal to 245, and this is the answer of this first. This is the answer of this first part. Okay. The next part is part 2. Now again, this is the given AP, and we have to find sum up to 12 terms. Again, जो last term है वो आपके पास नहीं है. Which formula we will apply? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। नाउ हेयर फर्स्ट टर्म इज -37 दैट इज ए इज इक्वल टू -37 राइट। डी एज इट हैज बीन गिवन दैट इट इज एन एपी, तो डी क्या होता है आपका ए टू माइनस ए वन। ए टू इज -33 माइनस ए वन इज -37। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4।
दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म एन अप टू 12 टर्म्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, सो एन इज इक्वल टू 12, एन इज इक्वल टू 12, राइट. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कॉमा डी एंड एन, लेट दिस बी इक्वेशन वन. इन इक्वेशन वट वी विल हैव एस एन दैट इज एस 12, इन प्लेस ऑफ एन वी विल पुट 12, इक्वल टू एन बाय टू दैट इज 12 बाय टू विद इन ब्रैकेट 2a, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट -37 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मीन्स 12 माइनस वन इंटू डी, वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इज 4 इंटू 4, राइट. तो 12 बाय 2 मीन्स 2 6 12, तो बेसिकली जो एस 12 है आपका इट विल बी इक्वल टू 6, 2 इंटू -37 दैट इज -74, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 दैट इज 44. So S12 will be equal to 6 minus 74 plus 44, that is minus 30. So it is equal to minus 180. So this is the final answer of this question. Okay. Now part third. Your first term is 0.6, that is A. Now D is equal to A2 minus A1, that is 1.7 minus 0.6, that is it is equal to 1.1. Find the sum of 100 terms. So this is the value of N. So N is equal to 100. So A is equal to 0.6, D is equal to 1.1 and N is equal to 100. Again last term given here. So which formula we will apply here? That is Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now, in place of n, we will put 100. That is S100 equal to n by 2, 100 by 2. Within bracket 2a, in place of a, we will put 0.6. Plus n minus 1, that is 100 minus 1, and d is equal to 1.1. d is equal to 1.1. By solving this, what we will have? When we divide 100 by 2, it will be equal to 50. So it is equal to 50. 2 into 0.6, that is 1.2. 100 minus 1, that is 99. Into 1.1. Into 1.1. So it is 50, 1.2, 99 into 1.1. जब आप 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 108.5, राइट. मैं करके दिखा देता हूँ आपको. 99 11 9 is 99 11 9 is 99 99 or 9 that is 108 1.1 so 108.9, right? Then it is equal to 50 within bracket 1.2 plus 108.9, that is 110.1, and 50 into this it is equal to 5505, and this is the final answer of this question. See the final answer of this question. Okay. Now part four, again, this is the first term, that is A. Now D is equal to A2 minus A1. Now D is equal to A2 minus A1, that is 1 by 12 minus 1 by 15.
ट्वेल्व और फिफ्टीन का अगर आप एलसीएम लेते हो तो इट विल बी 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, सो इट इज इक्वल टू 1/60। सो द वैल्यू ऑफ डी इज 1/60, वैल्यू ऑफ डी इज 1/60। आपको ये जो सम निकालना है ऑफ 11 टर्म्स, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, सो एन इज इक्वल टू 11। अगेन लास्ट टर्म गिवन नहीं है, विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू विद इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, राइट। So by putting all the values, what we will have? N is equal to 11, that is S 11 is equal to N by 2, that is 11 by 2 within bracket 2 A. In place of A, we will put 1/50. 1/50 plus N minus 1, value of N is 11, that is 11 minus 1. D, value of D is 1/60. 1/60. Right? So what we will have? It will be equal to 11 by 2. 2 into 1 by 15, that is 2 by 15. 11 minus 1, that is 10. So that is 10 by 60. Right? So while solving this, what we will have? 0 and 0 will be cancelled out. 0 and 0 will be cancelled out. So S11 is equal to 11 by 2. Within bracket, अब देखो 15 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा आपका, दिस इज 30। एट 15 के टेबल में 30 आता है 2 पर, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 के टेबल में 30 आता है 5 पर, 5 1 जा 5। तो बेसिकली एस सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11 बाय 2, 4 प्लस 5 दैट इज 9 बाय 30। That is 9/30. So sum of 11 terms will be equal to, sum of 11 terms will be equal to, देखो 11 9 जा, या तो आप एक काम करो, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0। तो sum of 11 terms क्या होगा, 11 3 जा 33 and 10 2 जा 20 and this is the final answer of this question। तो ये जो गिवन एपी है, अगर मैं इसकी 11 terms का sum निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 33/22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम गिवन बिलो, देखो अब इसका आपको सम फाइंड करना, इसका क्या फाइंड करना है आपको सम। तो अगेन ये जो आपकी एपी है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपकी 7, राइट और जो इसकी लास्ट टर्म है जिसको आप एल बी कहते हो, और हम इसको क्या कहते हैं ए एम, वो भी आपको गिवन है। वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट 84, ये जो 84 है, be the nth term of this A. It means A n is equal to 84, and we know that A n means A plus n minus 1 into D, that is it is equal to 84. Now here A, that is the first term, that is 7, plus n minus 1, D हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं तो D क्या होगा आपका, दैट इज ए टू माइनस ए वन, तो 10 टू जा 20, 20 प्लस 1, 21 बाय 2 माइनस 7 बाय 1। यहां से अगर हम 21 बाय 2 माइनस 7 करते हैं तो देखो मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो ये होगा 7, तो ये होगा 21 माइनस 14। तो कैन आई से दैट जो आपका D होगा इट विल बी इक्वल टू 21 माइनस 14, और यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो होगा 2, तो 2 एलसीएम ले लिया तो 2 7 जा 14, तो 21 माइनस 14 क्या हो गया 7 बाय 2, तो आपकी डी की वैल्यू होगी 7 बाय 2।
जो डी है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस डी वी विल राइट 7/2, राइट। और इक्वल टू में क्या हो गया 84। अब 84 माइनस 7 दैट इज 7/2 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1, 84 माइनस 7 दैट इज 77, दैट इज 77। एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू 77। ये जो 7/2 है व्हेन इट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इट विल बी 2/7, तो 7 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो बेसिकली कैन आई से दैट एन विल बी इक्वल टू 11 टू द 22 और प्लस 1 दैट इज 23। अब इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज हमारे पास है, एन भी हमने फाइंड कर लिया, ए फर्स्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म, राइट। डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला कैसे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस, आप एल लिखो या ए एन लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको ए एन लिखना है वो ज्यादा आपको आपके माइंड में, अगर ए एन ज्यादा रहता है तो आप ए एन, बहुत बार क्या होता है कि एक चीज जो होती है हमारे माइंड में, मतलब किसी का जो रिकॉग्निशन होता है वो उस पर्टिकुलर सिंबल से हम ज्यादा करते हैं, तो ए एन आप लास्ट टर्म लिखो, ठीक है। एन क्या है आपका 23, तो आपको एस 23 फाइंड कर, एन बाय टू 23/2, ए ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7, ए एन इज द लास्ट टर्म दैट इज 84। जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट इट विल बी 23/2, 84 प्लस 7 दैट इज 91, तो 23 को अगर आप 91 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2093/2। अब जिस फॉर्म में आपको ये गिवन है, जिस फॉर्म में आपको ये गिवन है, जैसे आप फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसको फ्रैक्शन में फाइंड कर सकते हैं, तो व्हाट वी विल डू विल डिवाइड दिस। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2093 को 2 से, व्हाट वी विल हैव, 2 वन जा 2 0 0 देन 9 2 4 जा 8 1 3 2 6 जा 12 1, तो 2093/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1046 1 बाय 2। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, this is the final answer of this question, okay। Now question number 2 part 2, again in this AP value of A has been given that is 34, you can find the value of D that is A2 minus A1, 32 minus 34 it will be equal to minus 2, and then last term that is An has been given, so first of all what we need to do, we need to find the value of n. So we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. An value of an is 10. a ho gaya aapka 34 plus n minus 1. d is minus 2. d is minus 2. So 10 is equal to 34 minus 2 within bracket n minus 1. Now 10 minus 34, it will be minus 24 equal to minus 2 within bracket n minus 1. अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2 से 24 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12, और माइनस 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बेसिकली n विल बी इक्वल टू 30, बेसिकली n विल बी इक्वल टू 30। अब वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n by 2 within bracket a plus an, the value of n is 13, so it is s 13 is equal to 13/2, a that is the first term 34 plus an that is last term 10, that is last term 10, right. So what we will have, 13/2 34 plus 10 that is 44,
इज 44। टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, 13 × 22 क्या होता है 286। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नाउ थर्ड पार्ट अगेन इन दिस एपी द फर्स्ट टर्म इज -5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी दैट इज a2 - a1 दैट इज -8 माइनस विद इन ब्रैकेट -5 विच इज इक्वल टू -8 + 5। कैन आई से दैट डी इज इक्वल टू -3 दैट डी इज इक्वल टू -3। देन लास्ट टर्म दैट इज an, an इज इक्वल टू -230। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n दैट इज an इज इक्वल टू -230 विच मीन्स a प्लस विद इन ब्रैकेट n -1 × d इज इक्वल टू -230। एक ही जगह क्या होगा आपका -5 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह क्या होगा -3 एंड इट इज इक्वल टू -230। अभी जो -5 है वो जब राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बी +5, इट विल बी +5। तो -230 + 5 तो -3 विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन इज इक्वल टू -230 + 5 दैट इज -225। अब माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, तो एन माइनस वन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 225। जो मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब हम डिवाइड करेंगे 37 + 21, 35 + 15, तो ये आ गया आपका 75। तो कितना हो गया आपका 75, दिस इज इक्वल टू 75। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एन, एन कितना हो जाएगा -1 दैट इज +1, तो एन इज इक्वल टू 76, एन इज इक्वल टू 76। नाउ वी नो दैट दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन, राइट। वैल्यू ऑफ एन इज 76, दैट इज एस 76 is equal to n 76/2 within bracket a that is first term that is -5 plus an, an that is last term -230, -230, so 76/2 it is 38, -230 -5 that is -235। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 8930। मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है आपको पता है तो वो सब मैं करके नहीं दिखा रहा। ओके तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एपी आपको फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है दैट इज 3, a n that is last term of this AP is 50। We have to find the value of n or sn, हमें n or sn की value find करनी है। तो first of all a n is equal to 50 which implies a plus n minus 1 into d is equal to 50। अब एक ही जगह क्या होगा 5 plus n minus 1, d कितना आपका 3 is equal to 50, is equal to 50, राइट। अब देखो 50 - 5 ये हो गया 45, तो 3 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। n माइनस 1 कितना होगा 45 को 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा 15, तो बेसिकली n इज इक्वल टू 60। तो n आ गया हमारा, अब हमें क्या फाइंड करना है sn। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो सिंपली हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे दैट sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an, n आपका 16 है दैट इज s 16 इज इक्वल टू n बाय 2, 16/2 दैट इज 16/2, a दैट इज द फर्स्ट टर्म 5 प्लस an दैट इज 50, तो 16/2 दैट इज s 16 इज इक्वल टू 8, 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। अब 8 × 55 कितना होता है आपका 440, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके
Now part 2 is, first term of the AP has been given, 13th term has been given, what we have to find? D common difference of this AP or S13. It means total S13 की बात हो रही है, तो ये इस AP की last term है. तो अगर A13 हमारा 35 है, it means what? N आपका कितना हुआ? तो N आपका कितना हुआ? That is N is equal to 13. It means A plus N minus 1, that is 12D. ये किसके इक्वल होगा? 35 के. अब A जो है आपको वो गिवन है. ये कैसे आया है? ये भी समझा देता हूँ कि AN जो होता है आपका वो होता है A plus N minus 1 into D. N की जगह अगर आप 13 पुट करोगे तो 13 माइनस 1 या 12 हो जाएगा. कितना होगा? 12, राइट? A फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, राइट? तो 12D 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 28, राइट? तो D कितना होगा आपका? D विल बी इक्वल टू 28/12. D विल बी इक्वल टू 28/12. एंड 4 3 12, 4 7 20, ये आपका डी आ गया. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई. अब यू हैव टू फाइंड S13. अब यू नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस a n. आपको S13 फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 13/2 a प्लस a13. N की जगह 13 पुट कर दिया हमने, राइट? इट विल बी इक्वल टू 13/2 ए. ए इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज 7. एंड ए 13 जो है आपका वो है 35. वो कितना है आपका? 35, राइट? व्हाट वी विल हैव? दैट S13 इज इक्वल टू 13/2. 35 plus 7, that is 42. That is 42. 2 2s are 4, 2 1s are 2. 13 into 21. So S13 kitna hoga aapka? It will be equal to 273. It will be equal to 273. And this is the solution of this question. Okay. Now third part, A12 has been given. Common difference has been given. We have to find the first term and S12. So first of all, A12 is equal to 37. A12 means A plus 11D is equal to 37. A we have to find. Value of D has been given, that is 3, is equal to 37. So A will be equal to what? 37 minus 33. A is equal to 4. We have find the value of A, right? Now we know that Sn is equal to n/2 within bracket A plus An, right? We have to find 12, S12. In place of n we will put 12. It means n is equal to 12. In place of n we will put 12. It will be 12/2 A plus A12. Now we have to find S12. It will be equal to 12/2, that is 6. A, value of A has been 4 plus A12. A12 is 37. A12 is 37. So S12 will be equal to what? 6, 37 plus 4, that is 41. So value of S12 is 246. So this is the required answer of this question. Okay. So from the next class, we'll proceed with the remaining question. So that is for today's class. Thank you.